नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारी रेसिपी पे। आज हम गोभी का अचार बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए मैंने एक फूल अच्छी सी गोभी ली है और ये साफ़ सुथरी है। तो जब भी हम अचार बनाए थोड़ी अच्छी सी गोभी ले आए, जो अच्छी फूल आपको अच्छा लगे वो वाला। तो इसको मैं अभी काट लेती हूँ, तो इसका हम अभी अचार बना लेते हैं। अचार के लिए देखिए इस तरह गोभी के ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं करना आपने, और इतना छोटा इतना कर सकते हैं। तो इस तरह सारा गोभी को हम काट लेंगे, क्योंकि इसी तरह ये गोभी जो है ज़्यादा छोटे टुकड़े करेंगे तो ज़्यादा गल जाता है। ये देखिए इस तरह हम काट सकते हैं। सारे गोभी मैं इसी तरह काटूंगी। देखिए फ्रेंड, सारा गोभी मैंने इस तरह काटा है। अभी हम इसके लिए पानी को उबाल देंगे। देखिए मैंने एक बर्तन लिया है और मैंने इतना पानी डाला है, हम जितना पानी डालना है वो गोभी हमारा डूब जाए उतना पानी हमने डालना है। अभी ये पानी उबल जाएगा, फिर हम इसमें गोभी डालेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हल्दी डाल देते हैं, क्योंकि हल्दी डालने से गोभी का कलर अच्छा आता है। हाफ टी स्पून में हल्दी डाल रही हूँ। अभी हम इसमें ऐड करेंगे विनीगर। आप कोई भी विनीगर आप ले सकते हैं, मैंने ये व्हाइट वाली विनीगर ली है, तो आप कहीं भी ले लो। तो विनीगर हम इसमें डाल लेते हैं। दो चम्मच मैंने इसमें विनीगर डाल दिया है पानी में। अभी ये पानी को हम उबालने के लिए रख देते हैं। जब तक पानी नहीं उबलता तब तक हमें गोभी नहीं डालना। मैं ढक्कन लगा देती हूँ, पानी को उबालना देते हैं। अभी अचार के लिए हम कुछ मसाले हम रेडी करेंगे। मसाले में मैंने देखिए मैंने लिया है सूखा धनिया और थोड़ी सी चिल्ली। ये जो धनिया और चिल्ली मैंने एक ही जगह डाल रखा है। और उसके बाद मैंने लिया है ये जो अनार दाना जो होता है वो है, ये खट्टा होता है और खाने में भी मुझे बहुत टेस्टी लगती है, ये गले में भी नहीं लगता, तो मैंने ये लिया है। आप अमचूर भी डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो ये ना डालें। इधर लिया है मैंने जीरा और अजवाइन। ये है ये जो कलौंजी होती है वो है, ये सौंफ है, और मैंने लिया है थोड़ा काला नमक और मेथी, और ये राई जो होती है वो जो पीली वाली है वो सरसों मैंने वो लिया है। आप काली वाली भी ले सकते हैं। और उसके अलावा मैंने लिया ये देखिए हींग और सरसों का तेल और नमक और हल्दी तो हम डालेंगे। ये सब हमें मसाला को अभी रेडी कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो है पानी हमारा उबल चुका है। अभी जो गोभी है हम इसी में मिक्स कर लेंगे। जो गोभी काट के रखा था ये देखिए मैं ये पानी में डाल देती हूँ। उसके बाद जब तक ये उबाल नहीं आता तब तक हमें पकाना है, ज़्यादा गलाना नहीं है। ज़्यादा गल जाए तो हमारा अचार ख़राब हो जाएगा। अभी हम इसको 2 मिनट के लिए, जब तक उबलता नहीं है तब तक मैं ढक देती हूँ इस तरह। दूसरी तरफ देखिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है। अभी इसमें हम जो मसाले है उसको भून लेते हैं। सबसे पहले हम ये जो रेड चिल्ली है और सूखा धनिया है ये हम भून लेंगे। देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। ज़्यादा हम निकाला नहीं करना। अभी मैं इसको निकाल देती हूँ एक बर्तन में। इसको मैं साइड में रख देती हूँ। उसके बाद हम भून लेते हैं सौंफ को भी हम इसी तरह थोड़ा सा भून लेंगे, ज़्यादा काला नहीं करना हमने। गोभी में देखिए उबाल आ चुका है। अभी हम गोभी को चेक कर लेते हैं, ढक्कन को हटा देते हैं और गोभी को हम चेक कर लेंगे। 2 मिनट और पकने देते हैं, क्योंकि होने ही वाला है। ये देखिए ज़्यादा गलाएंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, ज़्यादा बिल्कुल ही ना गलाना। सिर्फ 2 मिनट और हम गैस को तेज करके पकाएंगे। देखिए गोभी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। गैस को मैंने बंद कर दिया। अभी हम किसी छन्नी में निकालेंगे इसको, ताकि थोड़ा पानी इसका अच्छे से निकल जाए। एक मैंने छन्ना लिया है और इस तरह ये देखिए इसके ऊपर मैंने ये रखा है। अभी इसको मैं गोभी को मैं सभी को निकाल लेती हूँ इसी में, ताकि थोड़ा सा जो गोभी है वो हमारा पानी
निकल जाएगा। देखिए गोभी इस तरह मैंने सब निकाल दिया है। देखिए अभी एक मैंने सूती कपड़ा लिया है और ऐसे करके बिछाया है, इसके ऊपर हम सारा गोभी रख देंगे ताकि ये गोभी में हवा आ जाए। अगर आपके पास धूप है तो धूप में भी रख सकते हैं, धूप नहीं है तो आप इस तरह थोड़े फैन के नीचे भी आप रख सकते हैं। इसी तरह फैला देंगे तो सारा इसका पानी जो है वो सब निकल जाएगा, तो गोभी का आचार वो अच्छा होगा। तो सभी मैंने इस तरह दे देखिए फैला देती हूँ ताकि ये हवा से अच्छे से सूख जाएगा। इस तरह मैंने रख दिया है, अभी इसको सूखना देते हैं, हम उधर मसाला बनाएंगे। अभी इसी तरह और मसाले हम भून लेते हैं। ये जो मेथी है और कलौंजी ये हम इकट्ठे भून लेंगे, ये दोनों हम पीसेंगे नहीं तो इसको हम इकट्ठे भून लेते हैं। ये देखिए जब तक आपने भूनना है तब तक चटक चटक की इसकी आवाज़ें नहीं आती, तब तक इसको भूनना है मेथी को। अब ये भी हो गया है, ये भी मैं निकाल देती हूँ, इसको भी हम कटोरी में निकाल देंगे। इसी में हम अभी जो जीरा है और अजवाइन वो भी हम इसी में भून लेते हैं। इसको भी हमने उसी तरह भूनना है, जब तक ये चटक चटक की आवाज़ नहीं आती तब तक हमने इसको भूनना है, क्योंकि ये अजवाइन ज़रूर डालना है। अजवाइन डालेंगे तो ये बाई नहीं होता गोभी में और खाने में बहुत टेस्टी होता है पेट के लिए। ये अजवाइन बहुत ही अच्छा है, आप अजवाइन डालना ना भूलें। अजवाइन ये जो गोभी में ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी गोभी के परौंठे भी बनाते हैं तो भी अजवाइन डाल के बनाते हैं, तो टेस्टी तो होते ही है और खाने में भी स्वाद होता है और पेट में बाई भी नहीं होता, इसीलिए अजवाइन आप डालना ना भूलें। ये देखिए अजवाइन और जीरा भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, इसको भी उसी तरह मैं कटोरी में निकाल देती हूँ। देखिए सारे मसाले मैंने इस तरह भुना है और सब मैंने एक जगह मिक्स किया है। अभी हम ये सभी को मिक्सी में पीस लेते हैं। आप सिलवट्टा में पीस सकते हैं तो सिलवट्टा में पीसिए, नहीं तो मिक्सी में आप ग्राइंड कर सकते हैं। अभी मैं सारे मसाले इसमें डाल के पीस लेती हूँ। देखिए सारे मसाले मैंने इस तरह पीसे, ये इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, वाह आप क्या बताएंगे। इस तरह ऐसे आप बस चटनी बनाएंगे अचार बनाएंगे तो बहुत ही खाने में टेस्टी होता है, ये इतनी अच्छी खुशबू होती है। ऐसे घर में जो मसाले हम बनाते हैं बाजार का रेडीमेड से अच्छा ये बहुत ही अच्छा होता है, आप इसी तरह ज़रूर बनाएं। ये देखिए बिल्कुल मैंने इस तरह पीसा है, बिल्कुल पाउडर भी नहीं किया और थोड़ा ही थोड़ा ज़्यादा वो महीन भी नहीं, थोड़ा दरदरा सा है। अभी हम अचार को मल लेते हैं। गोभी मैंने एक बड़ी वाली प्लेट में निकाली है, क्योंकि फैला के निकालेंगे तो मसाला अच्छे से लग जाता है। अभी हम इसमें सारे मसाले जो है वो ऐड करेंगे। जो जो राई थी ये पीसी हुई राई है, इसीलिए मैं इसको ऐसे डाल देती हूँ, ये इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये खड़े मसाले है ये भी हम इसी तरह डाल देंगे, इसको भी पीसने की ज़रूरत नहीं है। और जो ये हमारा अनार है वो भी हम इसी तरह डाल देंगे, काला नमक डाल देंगे सब में इसी तरह फैला के। काला नमक डालते हैं तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है, काला नमक ज़रूर डालें। हींग डाल देंगे थोड़ा सा चुटकी भर इसी तरह, ये पीसा हुआ हींग है मेरा, आप दूसरा हींग भी ले सकते हैं। और जो मसाला है, मसाला जो हमने भून के पीसा था वो भी हम इसी तरह डालेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और हर मसाला जो है इसमें बिक जाएगा और खाने में बहुत टेस्टी होगा। इस तरह सारे मसाले हम इसी तरह डालेंगे और इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च, हाफ टी स्पून डालती हूँ मैं, क्योंकि दूसरा भी मैंने गरम मसाले में भी मैंने पीसा है तो इसीलिए मैं कम ही डालती हूँ। और नमक डालेंगे, नमक हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि अचार में थोड़ा ज़्यादा नमक लगता है, तो टीस्पून में नमक डालती हूँ और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। जो तेल है वो तेल है हम इसी में डाल लेते हैं, सरसों का तेल डालना जब भी आप अचार बनाएं, और इसको हम मल लेते हैं।
अच्छे से मिक्स करेंगे। गीले हाथ से मिक्स नहीं करना, नहीं तो आपका अचार जो है खराब हो जाएगा। आपका हाथ ड्राई होना चाहिए या फिर किसी लकड़ी का ऐसा स्पून हो उससे भी आप मिक्स कर सकते हैं। अभी मैं सारे को मिक्स कर लूँ। देखिए सारा मैंने इस तरह मला है और बहुत ही टेस्टी लग रहा है खाने में। ये आप रोटी के साथ और नान के किसी के साथ राइस के साथ आप थोड़ा सा खाओ, ये बहुत ही खाने में टेस्टी होती है। अभी एक बोतल सूखी होना चाहिए, कांच का बोतल अच्छे से धो के उसको पोंछ के उसमें आप भर के रखो और ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल दो। तेल आप जब भी डालें थोड़ा सरसों का तेल गर्म करके उसको ठंडा होने के बाद ही डालें, ऐसे ही ना डालें। ये 6 महीना साल 2 साल खाओ, ये कभी ख़राब नहीं होता, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही अच्छी बनती है। आप इस तरह ज़रूर बनाओ और मेरे रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।